चलिए आज के हम लोग क्लास में देखेंगे आवेश के गुण। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आवेशों के गुण के बारे में। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देख लिए थे आवेश के विषय में चर्चा किए थे, और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आवेशों के गुण। तो हम अगले क्लास में बताए थे कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उस चीज को यहाँ लिखे थोड़ा सा पढ़ना सुनिएगा। समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे धनावेश ऋण आवेश, तो धनावेश एक हो अलग हो गया, ऋण आवेश अलग। तो एक पर धन है एक पर ऋण है, दोनों को आपस में ले जाएंगे तो आकर्षित करेंगे खींचेंगे। लेकिन एक धन आवेश और एक और धन आवेश दोनों को ले जाएंगे एक साथ तो क्या करेंगे, विकर्षित करेंगे। तो ही कहे कि समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे बोले हैं कि आवेश क्वांटम विकृत होता है। आवेश क्वांटम विकृत मतलब जिसको हम लोग जिसका गुणन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो पूर्णांक गुणन होना चाहिए। कैसा गुणन होना चाहिए, पूर्णांक। मतलब आवेशों का वितरण जो होना चाहिए, आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए। या तो एक एक दो तीन चार पाँच इस तरह से होना चाहिए। अब इस तरह से होने लगेगा जैसे कि 1.1, 1.2, 1.3 तो उसको हम आवेशों का क्वांटमीकरण नहीं कहेंगे। क्योंकि क्या कब हो 1.2 यानी कि आधा डेढ़ आवेश, एक तो आवेश स्थानांतरित हो सकता है, क्या आधा आवेश स्थानांतरित होगा, इसीलिए उसको क्वांटमीकृत करना हम लोग के लिए उचित नहीं है। क्योंकि उसका गुणन जो होना चाहिए, उसका गुणज किस कैसा होना चाहिए, पूर्णांक गुणज होना चाहिए। कैसा गुणन गुणज होना चाहिए, पूर्णांक। तो हम आगे इस पर चर्चा भी करेंगे। अब देखो दो नंबर में बताए हो गया, तीन नंबर में बताए थे आवेश संरक्षित होता है। आवेश कैसा होता है, संरक्षित होता है, यानी कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। आवेश क्या होता है, संरक्षित। ऊर्जा क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ऊर्जा, तो ऊर्जा में बताया क्या होगा कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको विनाश किया जाता है। ऊर्जा जो होता है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद थोड़ा चाहिए। चौथा नंबर बताया है कि आवेश दो रूपों में पाए जाते हैं। आवेश कितने रूपों में पाए जाते हैं, तो दो रूपों में पाए जाते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश कितने रूपों में पाए जाते हैं, तो धन आवेश और ऋण आवेश दो रूपों में पाए जाते हैं। थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं और इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्वांटम विकृत पर ध्यान दीजिए, इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो जा रहे हैं। और ध्यान दीजिए, हाँ एक चीज और, एग्जाम में आपको आवेश के गुण दो नंबर में पूछता है, तो चार को बताएं किसी दो को लेके बताएं। अब यहाँ लिखे हैं आवेशों के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। आवेशों के क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। पहले लिखे हैं उसको बोल देते हैं, उसके बाद समझेंगे। आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्णांक गुणज के रूप में पाया जाता है, जहाँ क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और क्यू आवेश। अब ध्यान दीजिए इस बात को समझाते हैं। जैसे मान लो कि कोई वस्तु है, इस वस्तु पर हम एक इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं।
तो इस पर क्या होगा माइनस होगा, क्या होगा माइनस चार। तो यानी कि हम माइनस ए क्या करेंगे, माइनस ए इलेक्ट्रॉनों का गुणज कर देंगे। अगर यहां से दो इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, दो इलेक्ट्रॉन इस पर भेजते हैं, तो यहां क्या कर देंगे माइनस टू इलेक्ट्रॉनों का गुणज। इसके बाद अगर इसमें अगर प्लस तीन कर देते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, तो क्या लिखेंगे माइनस तीन इलेक्ट्रॉनों का गुणज। अगर यहाँ हम एन इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, एन इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, तो एन इलेक्ट्रॉन भेजेंगे यहाँ क्या लिखेंगे माइनस एन इलेक्ट्रॉनों का गुणज। तो जैसे माइनस एन इलेक्ट्रॉनों का गुणज आएगा, तो हम तो आवेश को क्यू से, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस एन। और ध्यान दीजिएगा ये तो मेरा माइनस एन ही आ गया तब जब किसी इलेक्ट्रॉन को हम किसी वस्तु पर भेज रहे हैं तब। अब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे, अब किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यानी कि इस पर कौन सा चार्ज आएगा प्लस चार्ज आएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ प्लस चार्ज, आज इस पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर माइनस चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस चार्ज, तो यहाँ माइनस प्लस एक इलेक्ट्रॉनों का गुणज। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्लस दो इलेक्ट्रॉनों का गुणज, अगर तीन निकलता है तो प्लस तीन इलेक्ट्रॉनों का गुणज, अगर एन इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस एन इलेक्ट्रॉनों का गुणज। तो यहाँ पर अगर क्यू देखते हैं तो क्यू यहाँ क्या हो जाएगा प्लस एन ही आ जाता है, प्लस क्या होता है एन ही। इसी को दोनों को जब आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, क्यू बराबर क्या मिल जाता है प्लस माइनस एन ई, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि आवेश जब होता है स्थानांतरित होता है तो पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होता है, पूर्णांक गुणज के रूप में स्थानांतरित होता है, ये नहीं कि दशमलव के रूप में स्थानांतरित हो, उस तरह से स्थानांतरित होता है। इसमें जब हम आवेशों का संतत वितरण कराते हैं तब एक दशमलव एक, एक दशमलव दो, एक दशमलव तीन, एक दशमलव चार के रूप में आवेश वितरित होते हैं। लेकिन यहाँ जब आवेश क्वांटमीकृत होता है तो क्वांटमीकृत में पूर्णांक गुणज होना चाहिए, क्योंकि जैसे एक इलेक्ट्रॉन का गुणज हो, दो इलेक्ट्रॉन का गुणज हो, तीन इलेक्ट्रॉन का गुणज हो, चार, इस तरह से होना चाहिए। तो आप उसको बोलते हैं क्या आवेशों का क्वांटमीकरण का सिद्धांत, अन्य तो उसको आवेशों का क्वांटमीकरण का सिद्धांत बोलना संभव नहीं है, उसको नहीं भी बोलना नहीं बोलते। तो एग्जाम में भी पूछता है, बहुत बार के एग्जाम में पूछ दिया है कि आवेशों के क्वांटमीकरण के सिद्धांत को लिखे, तो आवेशों के क्वांटमीकरण के सिद्धांत को पूछ देगा तो क्या लिखेगा आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्णांक गुणज के रूप में पाया जाता है, जहां q = प्लस माइनस n है, जहां n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, e n एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और q आवेश। बोल सकते हैं यहां से ये घेर कर कि चूंकि e बराबर होता है माइनस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, दिक्कत। इसके बाद लिखे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को लिखे, तो आवेश को संरक्षण को सिद्धांत क्या कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको विनाश किया जा सकता है, आवेश जो होता है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा लॉन्ग कर दिए हैं क्योंकि समझने के लिए कि आपको भी समझ में आ जाए। हम लिखे हैं, सुनिएगा बात को, लिखे हैं कि जब ग्लास चल और एमोनाइट चल को जब रगड़ा जाता है तो ग्लास चल पर जितना इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन की अधिकता एमोनाइट चल पर है, यानी कि जितना ग्लास चल पर प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज एमोनाइट चल पर होता है, जिसके कारण हमारा होता क्या है कि पहले भी रगड़ने के पहले भी आवेश जो होता था दोनों वस्तुओं पर ग्लास चल और एमोनाइट चल पर शून्य था, और रगड़ने के बाद भी आवेश क्या हो गया शून्य हो गया। यानी कि अतः हम क्या कह सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसको विनाश किया जा सकता है, आवेश जो होता है एक रूप से दूसरे रूप में, जैसे हम ऊर्जा को बोलते हैं। चलिए इसको भी स्क्रीन शॉट लीजिए,
अब देखिए आगे लिखते हैं, यहाँ एन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एन का जो मान होता है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होता है इलेक्ट्रॉन का मान। कब एन का मान एक इलेक्ट्रॉन होगा तो कब दो होगा, कब तीन होगा, कब चार होगा, यानी स्थानांतरण कितना होगा, एक भी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, दो भी होगा, तीन भी होगा, ये नहीं कि तो सामने में बोलते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ देखते हैं, अब नीचे हम स्टार में लिखिएगा मात्रक, इसका मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक। तो अगर कोई पूछता है तो लोग लिख सकते हैं कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो क्या कहिए, कूलॉम, क्या होता है, कूलॉम, कूलॉम जिसको हम सी से दिखाते हैं होता है। अगला एक एरो में आवेश का CGS मात्रक स्टेट कूलॉम होता है। एक चीज और लिख लीजिएगा, आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है, नोट कर, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आगे के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ओके।